गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, टाइटल तो मैं देख ही लिया होगा, इजी सा कॉलेज मेकअप लुक। कॉलेज या ऑफिस में भी आप उसको कर सकते हैं, कभी कभी यू नो यू हैव टू डू मेकअप। सो कभी कुछ फंक्शन होता है कॉलेज में या फिर ऑफिस में आपके, तो थोड़ा बहुत मेकअप यू नो चलता है, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है, कभी कभी करना चाहिए। सो बस इजी सा एक ऑफिस वियर या कॉलेज वियर मेकअप शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। सो आई होप आपको पसंद आएगी मेरी ये वीडियो। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैंने यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं लगाई है, नेचुरल रोशनी में मैं शूट कर रही हूँ ताकि यू नो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आए कि नेचुरल रोशनी में जब आप बाहर जाएंगे तो मेकअप कैसा लगेगा। बिकॉज दिन का मेकअप है तो दिन में बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। सो फिलहाल मेरी स्किन पर कुछ भी नहीं है तो अभी सिर्फ मॉइस्चराइजर है। सो क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लैक्मे का ग्लो परफेक्ट प्राइमर लगाऊंगी एंड अच्छे से इसको टीजोन एरिया पे लगाऊंगी एंड पूरे फेस पे लगा लूंगी। तो कोई भी मेकअप में आईब्रोज तो करनी ही चाहिए बिकॉज आईब्रोज से आपका बहुत लुक चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बहुत हल्के हल्के से अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ ताकि बहुत यू नो नेचुरल लगे, बहुत ज़्यादा ये ना लगे कि अलग से दिखें। तो बहुत नेचुरली आप करें तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये इनसाइड की पैलेट जो कि मैंने अभी जल्दी परचेज की है एंड फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, एक्चुअली मैंने उसको ये कलर करेक्टर की वजह से ख़रीदा था। बट इसमें अच्छे खासे शेड में कंसीलर भी हैं, सो कॉन्टोर भी है। तो मैं इसको अपने शेड के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे फेस के शेड के अकॉर्डिंग, नोज़ के अराउंड एंड माउथ के अराउंड एंड अंडर आइज पे लगाऊंगी बस अपने फिंगर की हेल्प से। तो जो मेरा प्राइमर है ना वो हल्का सा यू नो पिंकिश है, तो उससे मुझे मेरे चेहरे पे पिंकिश ग्लो आ जाता है। तो उसके वजह से मैंने फेस पे मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट अंडर आइज तो दिखते ही हैं डार्क एंड माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन होती है, तो उसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है। एंड रगड़ना आपको बिल्कुल नहीं है, बस इस तरीके से प्रेस करें हल्के हाथों से एंड जितनी आपको कवरेज चाहिए आप उतना प्रोडक्ट लगा लें। आप इसको ब्लेंडर से भी कर सकते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि उंगली से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। फ़ोन में शूट करते समय ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था फ़ोन में दिख रहा है, बट थोड़े से यू नो एक दो मिनट बाद ये एकदम मेरे स्किन के अकॉर्डिंग सेट हो गया था। मतलब मुझे सामने से तो मिरर में नहीं लग रहा था बट फ़ोन में लग रहा था, बट थोड़ी देर बाद हो सकता है ये थोड़ा सा यू नो सेट होने में टाइम लगता हो, तो वह बिल्कुल यू नो एकदम अच्छे से सेट हो गया था जब मैंने इसके ऊपर से कॉम्पैक्ट लगाया। तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया, जल्दी ही आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अब इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर देंगे एंड पूरे फेस पे भी कॉम्पैक्ट को लगा लेंगे। मैंने देखो यहाँ कहीं भी नहीं लगाया है क्योंकि यू नो नेचुरल लगना चाहिए, बस थोड़ी सी डार्कनेस छुपाने की कोशिश की है मैंने। तो फोन में यह थोड़ा सा ब्राइट ही दिख रहा है बट सामने उतना नहीं दिख रहा है सच्ची। तो इसके बाद मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे, मतलब जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर जो लगाया हुआ था उसके अलावा पूरे फेस पे अच्छे से कॉम्पैक्ट लगाया है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है ब्रश से ताकि कहीं ज़्यादा कहीं कम ना दिखे। तो अच्छे से ब्लेंड करें आप एंड थोड़ी देर बाद काफ़ी अच्छे से सेट हो गया था मेरा बेस। ले रही हूँ थोड़ा सा एंड इसको बस हल्का सा अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ ताकि एक पिंकिश बस ग्लो आ जाए, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ ताकि वो अलग से लगे, बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा लगा रही हूँ। देखो आप बहुत इजी सा मेकअप है। अगर आप चाहें तो आप इनमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि
थोड़ा सा अगर आप फेस आपका थोड़ा ब्रॉड है जैसे मेरा है, क्योंकि मैं मोटी हूँ तो आपका भी है, तो आप थोड़ा सा ब्रॉन्जर भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा। तो अब हम लोग लगाएंगे काजल, जिसको मैं लगाऊंगी अपनी ऊपर मतलब आईलिड एकदम क्लोज क्लोज मैं अपने आईलिड पे काजल लगाऊंगी, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आपको लाइनर वगैरह पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं उंगली की हद से इसको स्मच कर दूंगी। एक बहुत ही सॉफ्ट लुक आ जाता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और नीचे के आईलिड पे भी मैं काजल लगा रही हूँ हल्का सा। और इसको भी थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा अच्छे से इसको अपनी आईलैशेस में लगाएं, क्योंकि इससे ना आपका लुक एकदम चेंज हो जाता है। बिकॉज मस्कारा तो लाइक आई थिंक मस्ट हैव है, ये तो लगाना ही चाहिए। मेकअप इज कम्प्लीट एंड नाउ आ रही है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे का क्रेयॉन, जो कि है शेड बेबी पिंक। तो एक्चुअली मुझे लाइट कलर ही पसंद है। आपको जो शेड पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। सो My makeup is complete, hair सभी बाकी है। So here is my final look and लग रही हूँ ना ऑफिस गोइंग वूमन। डायरी भी ले ली, पेंसिल भी ले ली, पेन भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो लग रही हूँ ना, क्या लग रही हूँ, कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग, बताइएगा कमेंट करके। एंड अगर ये मेकअप लुक पसंद आया है देन प्लीज लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये चश्मा मैंने ऐसे ही लगा लिया, ये कोई मेरा नचरो बचरों का नहीं है, फैशनेबल है। सो या मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।